वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पे इस वीडियो पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर संडे को आपकी क्या होती है साइंस की क्विज जिसमें हम कुछ न्यू न्यू टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था तो इस बार भी हम लोग आ गए हैं दस नई क्वेश्चन के साथ साइंस के जो कि आपकी जनरल साइंस की अवेयरनेस को बढ़ाएगा तो चलिए दोस्तों आई नो यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर दिस सो लेट्स स्टार्ट ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट्स नॉट फॉर द साइंस बट फॉर द जनरल नॉलेज हुम द फर्स्ट गर्ल्स स्टूडेंट टू वैन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज कौन सी लड़की है जिसे प्रेजिडेंट द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट जिसको president ऑफ इंडिया का prize मिला है वो कौन सी है दोस्तों आई थिंक आप लोगों को नहीं पता इफ यू नो द आंसर देन वेरी गुड और आप लोगों के लास्ट की कोइज अटेम्प्ट बहुत अच्छा था मैं आप लोगों को बताऊंगी किसने सही आंसर दिया और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे तो तब तक के लिए बने रहिए ओके देन आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कविता कविता गोपाल गोपाल कौन है शी हैज बिकम द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट ऑफ आई मद्रास टू बी ऑनर्ड विद द विदिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज शी रिसीव द ऑनर एंड मेडल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एट दी सिक्स कॉन्वोकेशन ऑफ आई आई टी मद्रास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ड्यू द वायरस इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है कि जो कि वायरस से होती है तो दोस्तों इबोला एड्स सार्स और ऑल ऑफ देखिए जहाँ पे भी ऑल ऑफ द आ जाए ऑप्शन तो आप सोचिए शायद उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं ई आपने सुना होगा ई वायरस आप लोगों को सुना होगा इबोला वायरस के नाम से आपने सुना होगा लेकिन कहाँ पे सुना है इससे कौन सी डिजीज होती है आप लोग वो सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एड्स आप सबको पता ही है ये वायरस होता है सबको पता है इसके वायरस का नाम क्या है एड्स का दैट इज एच आई एंड सार्स भी एक वायरस का नाम है तो अगर दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है तो, तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑल ऑफ दी आवर तो सेकेंड का आंसर है ऑल ऑफ़ दी आवर जो वायरल डिजीज है जो इससे होती है वो कौन सी है सारी जो सार्स से फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड उसके अलावा ईबोला चिकन गोनिया स्मॉल पॉक्स ये सब भी वायरल डिसीज़ हैं दैन थर्ड क्वेश्चन इज नेम द वायरस डेट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट टू अमूमन कौन सा वायरस है इन सब में से जो ऐसे फैलता है फ्लवी वायरस रेबिस वायरस ईबोला वायरस और ऑल ऑफ द तो सोचे आंसर बोला था ऑल ऑफ में चांसेस हैं जो ट्रांसमिशन है वायरस का थ्रू द मतलब ये जो वायरस है जब कोई एनिमल बर्ड या इंसेक्ट बाइट होता है मतलब इन सब से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है ये वाला वायरस तो उस चीज़ को बोलते हैं जूनोसिस एग्जाम्पल है जैसे कि रेबीज वायरस आपने सुना होगा कि डॉग के काटने से रेबीज वायरस हो जाता है अल्फा वायरस लवी वायरस वायरस तो ये सारे क्या हैं जो एनिमल बर्ड इंसेक्ट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहली बात तो bone marrow क्या है? मैरो हमारे आ, जो बैकबोन है उसके अंदर एक स्पेस होता जिसको है जिसको बोलते हैं बोन मैरो जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं और साथ में इम्यूनिटी सेल्स भी बनते हैं टी सेल्स सी सेल जो होते हैं वो वहीं पे बनते हैं तो एक कैंसर है अगर वहीं पे आ, अगर देखिए दोस्तों मेनली जब किसी को अगर जो ब्लड का कैंसर है लुकीमिया होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को ब्लड कैंसर है क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि न्यू आर डाले जाते हैं न्यू सेल्स इंक्रॉप्रेट किए जाते हैं बोन मैरो में क्योंकि वो वहीं पे बनते हैं लेकिन इसने बोला है कि कौन सा कैंसर है जो बोन मैरो में होता है और वो खुद से और ब्लड uh, सेल्स बनाता है तो सार्कोमा माइलोमा लिम्फोमा या फिर लुकेमिया तो आंसर क्या होगा लुकेमिया ये क्या है ब्लड कैंसर है जो कि वाइट ब्लड सेल्स जब बॉडी में ज़्यादा होता बनता है दोज वाइट ब्लड सेल्स क्राउड आउट ऑफ द रेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स डेट योर बॉडी नीड्स टू बी हेल्दी दी एक्स्ट्रा वाइट सेल्स डोंट वर्क राइट क्योंकि दे आर कार्सिनोजेनिक दे हैव कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज तो वो ऑब्वियसली सही काम नहीं करेंगे जो वाइट ब्लड सेल्स होता है उनका मेन काम होता है हमारी बॉडी में किसी भी डिसीज से फाइट करने में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स अगर आपकी बॉडी में किसी की भी लिमिटेड जो होती है रेंज से ज़्यादा मात्रा में आपकी वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है देन इट मे बी कार्सिनोजेनिक इट्स नॉट गुड ओके देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टाइप्स ऑफ द फुल मून्स इनमें से कौन सा फुल मून है ब्लड मून 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 ब्लू सुपर और ऑल ऑल ऑफ ऑफ दी दी देन आंसर इज जो अलग अलग होते हैं जिसके अंदर ब्लड मून सुपर मून ब्लू मून हार्वेस्ट मून ये सब होते हैं जो फुल मून होता है वो कहते हैं लूनर फेज होता है जब मून क्या होता है पूरा बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटेड होते हैं जिसको पूर्णिमा कहा जाता है और ये तब होता है जब वैन अर्थ इज़ लोकेटेड बिटवीन द सन एंड द मून ओके इट्स का मतलब ओके uh, okay दोस्तों तो फुल मून uh, के अगर आपको बोला जाए तो डिफरेंट uh, टाइप्स कौन से हैं ब्लड मून जब थोड़ा रेडिश में दिखाई देता है ब्लू मून सुपर मून ओके द ओके द नेक्स्ट को विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स यू मूव बताइए विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स यू मूव कौन सा पार्ट है जो आपको मूव करने में मदद करता है डेट इज मसल्स बहुत ईजी सा था मसल क्या है सॉफ्ट टिश्यू है जो कि एनिमल्स में मिलता है जो मसल्स है इसके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं कौन से एक्टिन और मायोसिन एक्टिन और मायोसिन दोस्तों इस तरह से ना एक दूसरे पर इंकॉपरेटेड होते हैं ठीक है ये आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड कॉन्ट्रेक्शन होता है मतलब जैसे कि एक बार ऐसे पास आएगा फिर दूर आ जाएगा फिर ऐसे पास फिर दूर तो इसे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है आ, मसल्स में जिसकी वजह से वी कैन ईजली वॉक ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुंदरी वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन सुंदरी जो है एक वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज की कहाँ पर मिलती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हिमालयन फॉरेस्ट डेसीडस फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट तो आंसर इज मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदरी आपने नाम सुना है स्पीशीज़ का जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते ट्रीज एंड शर्ब्स मतलब जो इंटर टाइडल जोन में मिलते हैं जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं ये फ्लोरिडा में पाए जाते हैं और यहाँ पे अस्सी डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं मैनग्रोव ट्रीज़ की और ये जो ट्रीज़ uh, है, हैं ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे जिसकी ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है जिसकी सॉइल में ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है कम होता है वेयर स्लो मूविंग वाटर्स अलाउड फाइन सेंटीमेंट्स टू अक्यूमलेट ओके देन एट क्वेश्चन इज जो कि लैम्प में यूज की जा रही है आपने देखा होगा येल्लो कलर के लैम्प्स एज ए स्ट्रीट लाइट में यूज हो रहे हैं तो वो येल्लो कलर जो आ रहा है उसके अंदर कौन सी गैस यूज हो रही है डेट इज बताइए सोडियम ओके दोस्तों देन नेक्स्ट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन आयरन की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है फोर्थ पार्ट वॉट आयन इसके अंदर इतना परसेंट का सबसे ज्यादा प्योरस्ट फॉर्म होते हैं अगर आपसे पूछे आयरन की सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है तो वो है ये ओके देन मूव ऑन टू द टेंथ क्वेश्चन ब्राइट्स डिसीज अफेक्ट ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट एक ब्राइट डिजीज होती है क्या होती है और वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है किडनी स्प्लीन हार्ट और लीवर दैन आंसर इज किडनी जो ब्राइट डिज़ होती है इसको यूरेमिया के नाम से जाना जाता है यूरेमिया अगर किसी से आ गए दैन इट मस्ट भी रेटेड टू किडनी इट फि इट फ्यूजिज द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ यूरिया इनक्रीजेज इन द ब्लड तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कोइज आपका जो कमेंट आपका जो फाइनल स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा लेकिन देखिए नेक्स्ट जो है हमारा सुपर पिंक मून गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इसका आपको आंसर देखना है आज की कोइज में नेक्स्ट क्विज में आपको मैं आंसर बताऊंगी सुपर पिंक जो मून है उसको पिंक मून के नाम से क्यों जाना जाता है तो आपको ये सब कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों और जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था स्टमक कैंसर को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर है गैस्ट्रिक कैंसर तो कई लोगों ने इसका आंसर किया था मैं उनके अब नाम अनाउंस करने जा रही हूँ जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया था वो है एक भारतीय क्लास सेवेंथ ए गमेंट कोट स्कूल एंड उसके बाद है महक फ्रॉम द सेम स्कूल एंड द सेम सेक्शन एंड उसके अलावा अभी तक तो दो बच्ची हैं बाकी बच्चों ने कमेंट uh, किया है कि वो कौन से स्कूल के हैं एंड वैष्णवी इन्होंने अपने बताया नहीं कि कौन सी क्लास है वैष्णवी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है ओके okay, देन एक मोहित कुमार है उन्होंने दिया एंडेनो दैट इज अ रॉन्ग आंसर मोहित आई uh, डों कौन से स्कूल एंड सेक्शन के हैं इन्होंने क्लास मेंशन नहीं की है तो इन सभी बच्चों ने दोस्तों लास्ट को का आंसर बिल्कुल सही किया बाकी सब ने स्कोर कमेंट किए हैं आप सबके स्कोर जो थे हैं एट टेन नाइन बिल्कुल वेरी गुड आप लोगों की बहुत अच्छी मेहनत हो रही है आप लोगों को ये बहुत अच्छे मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये सब समझ आ रहे हैं कमेंट कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों अगर एक्साइटेड लगी तो इस बार भी अपने स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर ज़रूर बताइएगा सुपर पिंक मून गेट इट्स नेम फ्रॉम जो सुपर पिंक मून है इसको उसका नाम कहाँ से मिला ज़रूर बताइएगा और हम लोग फिर से मिलेंगे सबके आंसर्स अगर आप लोग आंसर्स देंगे सही तो आपका ज़रूर नाम अनाउंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ स्लाइड आप लोगों के अलग से स्लाइड बनाऊँगे मैं नेक्स्ट टाइम जिसमें आपका नाम लिखा होगा एंड शायद मैं फर्स्ट स्लाइड या फिर स्लाइड के बीच में डाल दूँ तो सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे एंड बाकी कोइजेज़ हम नेक्स्ट संडे को करेंगे उसके अलावा वर्कशीट्स में अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं वर्कशीट्स आप देखते रहिएगा तब तक के लिए और वर्कशीट्स भी सारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी चाहे वो सिक्स टू लेके टेन तक की सारी वर्कशीट्स होंगी स्पेशली रिलेटेड टू साइंस कंटेंट वो आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगी और दोस्तों ये वीडियो देखने के थैंक यू सो मच आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाय बाय